ऑफिशियली सीयूटी 24 के रिजल्ट्स को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। सीयूटी का रिजल्ट आप सभी का पोस्टपोन होने वाला है। प्रोविजनल आंसर की फाइनल आंसर की डेट आगे के लिए इंक्रीज कर दी गई और आपका जो रिजल्ट है उसकी भी न्यू डेट एनटीए ने क्लेरिफाई कर दी है। और क्यों हमारा डेट पोस्टपोन हुआ है ये सब कुछ आज की स्टूडियो में बताने वाला हूँ। व्हाट्सएप एवरीवन, क्या हाल चाल, दिस इज योर प्रभात और वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स। बच्चों, आप सभी लोग काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो कि हमारा सीयूटी का रिजल्ट कब आएगा। एग्जाम दिए आप सभी को महीने हो गए हैं, अभी तक आप सभी को आंसर की तक नहीं मिली है। आपको पता होना चाहिए कि पहले आपकी प्रोविजनल आंसर की आती है, आफ्टर प्रोविजनल आप सभी को फाइनल आंसर की मिलेगी एंड देन जाकर आप सभी का रिजल्ट मिलेगा। तो बीच में एनटीए में काफी सारे उथल पुथल मचे हुए, आपको पता होना चाहिए कि नीट वगैरह को लेकर, जिससे नीट का एग्जाम हालांकि पोस्टपोन हुआ, नीट पीजी का एग्जामिनेशन हुआ, आगे आने वाले एग्जामिनेशन पे भी डर का माहौल बना पड़ा है कि एग्जाम कहीं पोस्टपोन ना हो जाए। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस ने एनटीए डायरेक्टर का इंटरव्यू लिया जिसमें कि सीयूटी यूजी के रिजल्ट डेट को लेकर क्लेरिफिकेशन मिलती हमें दिखाई दे रही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आपको बता दूं कि एनटीए ने क्लियर वे में बता दिया कि आपका रिजल्ट किस डेट को वो पब्लिक करने वाले हैं। काफी दिनों से बच्चे परेशान है, तो आप ये समझो कि ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना ताकि जो भी बच्चे परेशान हो रिजल्ट को लेकर उनको ये अपडेट मिल जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज की आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन को हो गए हैं लगभग एक महीने और अभी तक एनटीए ने चूं चा कुछ भी नहीं किया, कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दी है। एग्जाम ले लिया उसके बाद बच्चों को भूल गए कि भैया हमने सीयूटी का एग्जाम भी लिया है, लेकिन आज क्लेरिफिकेशन उन्होंने ये दिया है कि 28 जून को सीयूटी का प्रोविजनल आंसर की आने वाला है। बिल्कुल ऑफिशियल डेट बता रहा हूं, 28 जून को प्रोविजनल आंसर की आएगी। आफ्टर प्रोविजनल आंसर की आप सभी को 2 से 3 दिन बाद फाइनल आंसर की मिलेगी। देखो, जब प्रोविजनल आंसर की आती है तो आपको दिखाया जाता है कि जो भी आंसर की में गड़बड़ी हो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हो। अगर आंसर की सब कुछ सही रहा या फिर कोई बच्चा क्लेम किया तो फिर से रीचेक करके रिशेड्यूल करके उस आंसर की को रिलीज किया जाता है जिसको हम लोग फाइनल आंसर की बोलते हैं। तो इंडियन न्यूज टुडे में भी ये चीज आर्टिकल छपी है कि आप सभी का जो आंसर की है वो एक्सपेक्टेड लास्ट वीक में यानी कि 28 जून को आने वाला है, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर की आएगा। फाइनल आंसर की के आफ्टर 1 वीक टू 10 डेज यानी कि लगभग लगभग आप मान के चलो कि 10 जुलाई तक आपका सीयूटी का ऑफिशियल रिजल्ट आने वाला है। चलिए मैं फिर से बता दूं कि आप सभी का ऑफिशियल सीयूटी का रिजल्ट 10 जुलाई को आने वाला है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रेशन के पोर्टल्स ओपन कर दिए हैं। इसी बीच डीयू का फर्स्ट फेज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, सेकेंड फेज का जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो भी आफ्टर 10 जुलाई ओपन किया जाएगी। साथ ही साथ जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं BHU, JNU या फिर जो भी आपके यू वगैरह हैं सबके सब रजिस्ट्रेशन जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप सभी को अभी रिजल्ट के लिए कम से कम 15 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इसी बीच आपको आपकी आंसर की मिलेगी और आफ्टर देन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो बच्चों अपने माइंड में क्लैरिफिकेशन रख लो कि जो आपका रिजल्ट है अभी भी उसमें टाइम है। क्यों? क्योंकि जब तक आंसर की नहीं मिलती तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और आंसर की रिजल्ट से 10 से 12 दिन पहले आएगी प्रोविजनल वाली। तो आप ये समझ के चलो कि आपका प्रोविजनल आंसर की 27-28 जून को मिलेगा, उसके बाद फाइनल आंसर की मिलेगी, आफ्टर देन जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट स्कोर कार्ड मिलेगा जिसमें आपका परसेंटाइल होगा, इन फिगर स्कोर होगा और उसके बेसिस पे आप इंडिया के तमाम कॉलेज में काउंसलिंग करोगे। इसी के साथ जो बच्चे एग्रीकल्चर कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे आईसीआर की काउंसलिंग करना चाहते हैं, उनको बता दूं कि आईसीआर की काउंसलिंग में डिले हो रही है। एक बैड न्यूज है उन बच्चों के लिए जो सीयूटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ ही साथ स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बहुत सारे बच्चे ऐसा जिनका सीयूटी का पेपर अच्छा नहीं गया और वो चाहते हैं फिर से प्रिपरेशन करना है। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे जीवीपीयूटी, जेट, नीट या फिर जेई एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन उदयपुर का ऑफिशियल कोर्स बैच लॉन्च कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप डायरेक्टली ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको इनके सेंटर विजिट करना पड़ेगा। कोचिंग में काफी सारे फैसिलिटीज है। आप सभी बता दूं कि ये 13 साल से लगातार आईसीआर के टॉप रैंकर्स को देता आ रहा है। डिजिटल बोर्ड्स के थ्रू आपकी पढ़ाई की जाएगी, डीपीपी प्रैक्टिस सेट और आप सभी को बुक्स और पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कराए जाएंगे, कंप्लीट एक्सपीरियंस सीट मिलेगा। आपको बता दूं कि हर साल रॉयल कैंपस से ही आईसीआर और सीईटी के टॉपर्स बच्चे निकलते हैं। पिछले साल टॉप रिकॉर्ड रहा है, ज्यादा बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है,
टॉप रैंक के साथ टॉप यूनिवर्सिटीज में 100% परसेंटाइल वाले काफी सारे बच्चे, जेट के ऑल इंडिया टॉपर भी यहीं से हैं, आईसीआर के ऑल इंडिया टॉपर भी यहीं से हैं, और ये केवल पिछले साल की बात नहीं, ये एवरी ईयर रहा है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन आपको टॉपर देता आ रहा है। तो जो बच्चे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको उदयपुर इनके ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करना पड़ेगा, जिसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में, इनके एप्लीकेशन का भी लिंक मैंने वहां पे मेंशन कर रखा है। आपको बता दूं कि यहाँ पे हॉस्टल की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो बच्चे हॉस्टल चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो भैया अगर किसी को इसमें ज्वाइन करना तो आप जा सकते हो, यहाँ पे 11th 12th फाउंडेशन के साथ एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे एक बार जरूर चेकआउट करना। थैंक यू। करते देखो, सीयूटी के एग्जामिनेशन में डिले, रिजल्ट में डिले होने के बाद सबसे बड़ा जो न्यूज होगा वो होगा आपके काउंसलिंग का, आपके सेशन का। आपका सेशन ऑलरेडी लेट चल रहा है, इवन अगर आपका रिजल्ट 10 जुलाई को आता है तो रजिस्ट्रेशन अभी बहुत सारे कॉलेज स्टार्ट करेंगे, आफ्टर देन काउंसलिंग की प्रोसेस होगी, देन जाकर आपके सेशन स्टार्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके सेमेस्टर पे, आपके ईयर पे इसका इफेक्ट पड़ने वाला, तो एक बैड न्यूज है। बाकी बच्चों रिजल्ट के लिए आई नो आप लोग इंतजार कर रहे हो बहुत ही डेडिकेशन के साथ, तो बस 10 to 15 days और उसके बाद आप सभी का रिजल्ट आपके सामने आपके हाथों में होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ये बिल्कुल जो क्लेरिफिकेशन मिली है इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू दिया गया उनकी तरफ से मिली है। आफ्टर आंसर की 10 days का टाइम लगेगा, बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी आंसर की आएगी, एक एक्सपेक्टेड डेट मैंने 28 जुलाई की बता दिया कि जब भी आंसर की आएगी, आंसर की से 10 दिन बाद ही हमारा रिजल्ट आएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। द एनटीए कंडक्ट सीयूटी ऑन द बिहाफ ऑफ यूजीसी, द यूजीसी चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स एंड एसएमएस सीकिंग कमेंट। यानी कि यूजीसी के जो चेयरमैन हैं वो भी इस पर कोई कमेंट नहीं करें, क्यों? हालांकि एग्जामिनेशन उन्हीं के बिहाफ पे होता है भाई, एनटीए का या सीयूटी यूजी जो एनटीए एग्जाम लेती है, बट उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन फिलहाल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, फर्स्ट टाइम दैट यूजीसी सीयूटी रिजल्ट हैव बीन डिलेड, द 3-year-old एंट्रेंस इन द डिब्यूट ईयर 22 वाज प्लग विद थिंग स्टूडेंट पर्टिकुलर ग्लिच। बहुत सारे रीजन यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं कि मनी परिवर्तन में ग्लिच हुआ था, पेपर वगैरह लीक का मामला है, इसी बीच एनटीए भी अपने आप में परेशान है, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं उन पे, बहुत सारे संगठन के थ्रू बिटवीन एनटीए, तो नीट को लेकर यूजीसी नीट का भी हाल में हो गया, नीट पीजी का भी हो गया, बहुत सारे एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, सीसीआर नेट का हो गया। इसी बीच में एनटीए ने क्लेरिफाई किया है सीयूटी यूजी के रिजल्ट को लेकर कि 10 जून तक वेट कीजिए, 10 जुलाई तक, ठीक है। तो बच्चों जिन बच्चों को हमारी काउंसलिंग ज्वाइन करनी हो, दूसरी चीज एग्रीकल्चर वाले बच्चे अगर परेशान है काउंसलिंग को लेकर, तो कोई परेशान वाली बात नहीं है, हमारी पेड काउंसलिंग लॉन्च हो चुकी है, इफ यू नीड देन आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम आपको कंप्लीटली आपको हर एक चीज में हेल्प करते हैं। तो बच्चा इसमें हम कंप्लीट सीयूटी, कंप्लीट आईसीआर और कंप्लीट जो डायरेक्ट एडमिशन होता है 10+2 बेसिस पे, उनकी भी हेल्प करते हैं। तो आप पेमेंट करके हमारे काउंसलिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में ज्वाइन कर सकते हो कंप्लीटली हेल्प के साथ। जो बच्चे लो स्कोर वाले हैं उनको स्पेशल हेल्प की जाती है, कंप्लीट प्रेफरेंस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर हर एक चीज में आपको यहाँ पे हेल्प की जाती है बाय मी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो मजा आ रहा होगा देखने में और चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, प्लस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय बच्चों। बाकी जो बच्चे आईसीआर काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं, स्कोर कार्ड के बाद अभी भी उनको वेट करना है रैंक कार्ड का, बिकॉज रैंक कार्ड आफ्टर स्कोर का 10 to 15 days के बाद ही आती है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, वेट कीजिए 10 जुलाई का, उसके बाद रिजल्ट आएगी। बाकी जो भी अपडेट आती है आपको मैं इस वीडियो के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में उस अपडेट के बारे में जरूर शेयर करूंगा।